फ्राई हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, तो अब इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। डिश आउट हो चुके हैं चिकन बाइट, आप भी ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बच्चे बड़े शौक से इसे खाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन बाइट, और इसके लिए हमें चाहिए जो चीज़ें वो ये हैं। आधा किलो चिकन है बोनलेस, और आधी चम्मच नमक है, आधी चम्मच काली मिर्च है, और आधी चम्मच ही कुटी हुई मिर्च है, और दो चम्मच कॉर्नफ्लावर है। बिस्मिल्लाह। पहले नमक डालना है इसमें, बिस्मिल्लाह, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, और कॉर्नफ्लावर, सब चीज़ों को मिक्स करके इसको मैरिनेट कर देना चिकन को। चिकन को मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, और 30 मिनट बाद देखते हैं इसको। चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब इसको फ्राई करने के लिए टॉपिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक एक क्यूब्स लेके चिकन का पहले मैदे में डालना है, फिर अंडे में, उसके बाद ब्रेड क्रम्स, इसी तरह सारी तैयार करके एक प्लेट में रखते जाना है। मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। चिकन बाइट्स रेडी हो चुके हैं, अब इसको फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब चिकन बाइट इसमें फ्राई करने हैं, ये जो मैरिनेट करके रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके डालते जाएं गर्म ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, तो अब इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। डिश आउट हो चुके हैं चिकन बाइट, आप भी ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बच्चे बड़े शौक से इसे खाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।